हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 19 मार्च 2020 पाप मोचनी एकादशी। एकादशी की शाम किया ये एक काम बदल देगा किस्मत। होलिका दहन के बाद और चैत्र नवरात्र से पहले आने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल की अंतिम एकादशी भी होती है। शास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही शुभ तिथि माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि कोई मनुष्य जाने अनजाने किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो कहा जाता है कि उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर भगवान हरि की आराधना और कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। आज हम आपको साल 2020 हिंदी महीने की आखिरी एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति महापाय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में एकादशी का व्रत 19 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 19 मार्च गुरुवार प्रातःकाल 4:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 मार्च शुक्रवार प्रातःकाल 5:59 पर। व्रत के पारण का समय होगा 20 मार्च दोपहर 1:41 से सायंकाल 4:07 तक। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान के बाद विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद जाने अनजाने किए गए पापों के लिए भगवान विष्णु जी को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो एकादशी की रात जागरण और भजन कीर्तन करें। पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत सम्पन्न करें। ध्यान रखें कि व्रत द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही खोल लेना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके द्वारा जाने अनजाने कोई पाप न हुआ हो। इन्हीं जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन यदि भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी महा उपाय। शास्त्रों में जहां एक ओर तो ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अर्थात हजार गायों के दान करने के बराबर का फल मिलता है, तो वहीं कहा जाता है कि यदि इस दिन कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को जीवन भर धन की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं ये लाभकारी और चमत्कारिक उपाय क्या है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है, इसीलिए इस दिन सच्चे मन से व्रत और भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाए तो व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन शाम के समय घर में भगवत कथा का पाठ किया जाए तो इस उपाय के प्रभाव से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपके घर पर हमेशा ही माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।